मनी मन गाली देने से क्या फ़ायदा, मनी मन रोने से क्या फ़ायदा, इंग्लिश बोलने से क्या फ़ायदा, उसके पास दोबारा जाने से क्या फ़ायदा। गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेस को अगर आप बोलना चाहते हैं तो देखते जाइए वीडियो के इन तक, मैं आपको बता दूंगा कि इंग्लिश को कैसे बोलते हैं इस तरह के वीडियोस को। तो इससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बता दूँ, जैसे कि हमारे पास एक होता है आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है कि मुँह तोड़ जवाब देना, जैसे कि उसने मुझे मुँह तोड़ जवाब दिया, इसका मतलब बोलूँगा ही आंसर्ड मी बैक, ऐसे करके बोलूँगा, या सी आंसर्ड मी बैक, इस तरीके से। एक और होता है करारा जवाब, जिसको मुँह तोड़ जवाब भी कह सकते हैं, कहते हैं इसको क्रशिंग रिप्लाई। नेवर गिव एनीवन क्रशिंग रिप्लाई, किसी को आप करारा जवाब मत दीजिए, तो ऐसे होता है। चलिए देख लेते हैं हमारे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसके लिए जैसे कि मैंने बोला मनी मन गाली देने से क्या फ़ायदा, तो क्या फ़ायदे के लिए आप सबसे पहले लगाओगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, और कोई भी वर्ब लगाओगे तो आईएनजी में, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अब्यूजिंग, और मन ही मन का होता है इनवर्टली, ऐसा करके। डांटने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कॉल्डिंग, इस तरीके से। सुबह सुबह उठने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, इस तरीके से। उससे बात करने से क्या फ़ायदा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टॉकिंग विद हर। गाइज, अगर आपको समझ में आता तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, कौन से जरूर कौन गया, ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा,